हाँ तो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास सिक्स का मैथ का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आज बनाएंगे। देखिए 3 में क्या प्रश्न है। दिए गए प्रत्येक कोण की आकृति में शीर्ष तथा कोणों की भुजाओं के नाम लिखिए। तो शीर्ष को नाम लिखना है, शीर्ष का, और भुजा के नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए शीर्ष किसको बोलेंगे, जो जहाँ कोण बनता है ना। देखिए शीर्ष यहाँ ओ हो गया है ना, जहाँ कोण बन रहा है ओ में, यहाँ कोण बन रहा है तो शीर्ष ओ लिखना है। अब भुजा, तो भुजा कौन कौन भुजा मिला, देखिए ओ क्यू और ओ पी यू, तो यहाँ भुजा में लिखना है भुजा का नाम। भुजा का नाम क्या लिखना है, ओ पी और एक है ओ क्यू। दूसरा प्रश्न में, तीसरा का दूसरा में देखिए, शीर्ष इसमें क्या है ना, सी है, शीर्ष सी है तो सी लिख देना है। भुजा इसमें क्या है, ए सी और बी सी, तो भुजा यहाँ ए सी और बी सी लिख देना है। भुजा में ए सी और बी सी। उसी प्रकार तीसरा में देखिए, शीर्ष का नाम क्या है इसमें, तो शीर्ष इसमें हो जाएगा एफ, एफ शीर्ष हो जाएगा। और भुजा का नाम क्या है, ई एफ और जी एफ, भुजा हो जाएगा ई एफ और एक होगा जी एफ। उसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न देखिए, दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। दी गई आकृति देखिए दिया हुआ है, इसमें कोणों के नाम लिखना है जिन्हें ए बी सी एवं डी से दर्शाए गए हैं। देखिए ए कोण यहाँ बन रहा है, बी कोण बन रहा है, सी कोण, डी कोण, है ना, तो सबको लिखना है ना, कोण का नाम लिखना है। देखिए कोण का चिन्ह ऐसा होता है ना, कोण का चिन्ह। अब यहाँ ए के लिए क्या लिखेंगे, ए ओ एक्स, ए ओ एक्स बराबर ए। उसके बाद बी के लिए क्या लिखेंगे, एक्स ओ वाई, तो कोण एक्स ओ वाई बराबर बी। सी के लिए क्या लिखेंगे, वाई ओ बी, कोण वाई ओ बी के लिए होगा सी। अब डी के लिए क्या लिखाएगा, बी ओ जेड, कोण बी ओ जेड बराबर डी। तो इस प्रकार से लिख देना था। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।